हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मुझे आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना था। माय अंकल इज़ गेटिंग मैरिड। 31 मई को उनका वेडिंग है और आज हम उनके आशीर्वाद सेरेमनी पर जा रहे हैं। और गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके रखना ताकि आप लोग वेडिंग व्लॉग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं और गाड़ी भी आ गया है। वेडिंग के पहले बहुत सारे सेरेमनीज़ होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली सारे सेरेमनीज़ का तो व्लॉग मैं नहीं बना सकता क्योंकि अनलकीली वेडिंग के टाइम ही मेरा PT1 एग्ज़ाम है। तो गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ और गाड़ी में जाकर कैमरा एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। अभी हम नूनमाटी के साइड में हैं और मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। ये है हम लोगों का पुराना घर एंड आई एम रियली मिसिंग माय ओल्ड हाउस वेरी मच। वैसे हम लोग जा रहे हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर जो कि हम लोगों के घर से बहुत ज़्यादा दूर है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, आज आशीर्वाद है, आशीर्वाद सेरेमनी। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। One eternity later. तो मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे अंट के घर जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। सो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आई गेस अंट के घर पर जाने के लिए। सो वी आर ऑन द वे। और आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा विंडी है, लगता है बारिश होगा। हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कैमरामैन भी है, मेरे मम्मी पापा सिस्टर पूरा फैमिली आए हैं। तो आशीर्वाद सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है और टर्न बाय टर्न सबको चांस मिलेगा आशीर्वाद देने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए और मैं वेट कर रहा हूँ मेरे चांस के लिए। So this is my aunt, means after the wedding she will be my aunt. बहुत ही ज़्यादा भीड़ था इसलिए रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ देर बाद ही मेरा चांस आएगा आशीर्वाद के लिए। So these are my parents, my mom and dad. उन लोगों के बाद आई थिंक मेरा चांस आएगा। डिफरेंट वैरायटीज़ के स्वीट्स है यहाँ पर जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा। मम्मी पापा के बाद मेरा चांस आया बट इतना ज़्यादा भीड़ था, वीडियो में कुछ दिखाई नहीं ठीक से।
हम लोगों ने लंच कर लिया और अभी हम लोग बाहर ऐसे बैठे हुए हैं। और जब हम लोग लंच कर रहे थे तब मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, इसलिए बस कुछ ही देर बाद हम लोग निकल जाएंगे। लंच में बहुत ज़्यादा खाना हम लोगों ने खाया तो पेट पूरा भर गया है। हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं और रात के अभी 8 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया रिटर्न करने में, मतलब घर पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। जिस जगह पर हम लोग आए थे आशीर्वाद सेरेमनी के लिए, उस जगह से हम लोगों का घर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स दूर है, तो घर पहुँचते पहुँचते 9:30 बज जाएगा। और आज तो जल्दी सो जाना भी है क्योंकि कल स्कूल है मेरा, और आज भी मेरा स्कूल था बट ड्यू टू द आशीर्वाद सेरेमनी आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे, आई वाज एब्सेंट। और नेक्स्ट वीक तो बहुत सारे सेरेमनीज है, आप लोगों को पता ही होगा वेडिंग के पहले बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सेरेमनीज, तो उन सेरेमनीज का व्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि नेक्स्ट वीक रोज़ मेरा PT1 एग्ज़ाम है अनफॉर्चुनेटली, सो हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट डेफिनेट। हम लोग घर पहुंच चुके हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी मच स्लीपी नाउ। जल्दी से अंदर चलते हैं, बारिश हो रहा है नहीं तो कैमरा भीग जाएगा। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 4:49 एंड हम लोग जा रहे हैं फैंसी बाज़ार। बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने जा रहे हैं हम, और 2022 में आई गेस पहली बार फैंसी बाज़ार जा रहे हैं। फैंसी बाज़ार तो हम लोगों के घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, एक घंटा लगता है हम लोगों के घर से फैंसी बाज़ार। अभी हम लोग पत्थर क्वेरी एरिया में हैं और आप लोग व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे मामा का वेडिंग है 31 मई को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना है, उसी के लिए हम फैंसी बाज़ार जा रहे हैं एंड आई होप कि बहुत सारा शॉपिंग करेंगे हम। सो देखते रहिए। पान बाज़ार पर है और कुछ देर बाद फैंसी बाज़ार पहुंच जाएंगे। यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है, इतने दिनों बाद यहाँ पर आए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग फैंसी बाज़ार पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, इतने सारे दुकानें, कन्फ्यूज्ड है कहाँ जाकर शॉपिंग करना चाहिए हमें। इतनी ज़्यादा भीड़ में व्लॉगिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। वैसे पहले भी मैंने फैंसी बाज़ार पर व्लॉगिंग किया है एक बार दुर्गा पूजा के शॉपिंग के टाइम, आई थिंक 7 सितंबर को, आप लोग वो व्लॉग ज़रूर देख लेना। हम लोग एक दुकान पर आए हैं अभी, निकल गए हैं और दूसरे कोई दुकान पर जा रहे हैं शॉपिंग करने। यहाँ
यहाँ पर एक होलसेल मार्केट है जहाँ पर सब चीज़ें एकदम मिलता है। तो हम लोग बड़ी दिन आई डोंट नो इतने दिनों बाद हम यहाँ पर आए हैं, मिल ही नहीं रहा वो होलसेल मार्केट। तो एक एसी मार्केट पर आए हैं हम, और यहाँ का कलेक्शन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जितने भी दुकान पर हम जा रहे हैं उनमें सभी का कलेक्शन मुझे अच्छा ही लग रहा है। मैं अभी सेल्फ़ी मोड से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हम लोग और एक एसी मार्केट पर आए हैं जहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सभी दुकान का ही कलेक्शन मुझे पसंद आ रहा है। जिस दुकान पर हम लोग आए थे उस दुकान का इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई गेस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और मैंने दुकान से मेरे लिए दो शर्ट लिया है। आज मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मेरी मामा की वेडिंग व्लॉग में दिखाऊंगा। सो आप लोग मेरी मामा का वेडिंग व्लॉग, क्योंकि 31 या फिर 1 जून को आएगा वो। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक दुकान पर खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, तो इसलिए खाने के लिए आए हैं यहाँ पर। और मुझे खाना है वेज रोल, एग रोल, और मैंने एग रोल ऑर्डर कर दिया है। तो हम लोगों ने फैंसी बाज़ार से बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया है, एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू होम। और अभी आई थिंक 8 बज रहे हैं, 8 या फिर 8:30। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। सो मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।